इस समय हम मौजूद हैं सरीपुरा सादतगंज वार्ड 24 से आकाश लोधी जी से बात करते हैं। ये इस समय निर्दलीय ही खड़े हुए हैं, आइए देखते हैं इनका क्या कहना है। सम्मानित जनता को मेरा प्रणाम, मैं आकाश लोधी पार्षद प्रत्याशी सादतगंज से निर्दलीय। मैं अपील करता हूं सादतगंज की जनता से कि इस बार डमरू पे मोहर लगाकर मुझे भारी मतों से विजयी बनाएं। अगर मैं विजयी होता हूं तो अपने क्षेत्र की सारी समस्याओं को, जैसे गड्ढा मुक्त रोडें बनवाऊंगा और गली गली में टंकियां, पानी की व्यवस्था और लाइटें, जहीं स्ट्रीट लाइट ख़राब हैं उन सबको ठीक करवाऊंगा और अभी भी करा रहा हूं। और रुके हुए जो कार्य हैं वो सब कराऊंगा। शिक्षा की ओर लोगों को जागरूक करूंगा और बहुत सारे जैसे क्षेत्र में कार्य हैं छोटे मोटे, वो सब भी मैं कराऊंगा। और वृद्ध लोगों के लिए जैसे कि सुविधाएं दूंगा सुबह कि वो टहलने के लिए पार्क हो, बच्चों के लिए खेल कूद की उचित व्यवस्था हो, इन सब को लेकर मैं इस क्षेत्र में उतरा हूं कि जनता की भी मैं सेवा कर सकूं। जी सर, आप जैसे आप इस समय चुनाव में खड़े हो गए जी, तो मतलब कुछ विचार मन में सोचा होगा कि आपको क्या करना है? नहीं, जैसे मैंने बताया कि मतलब बहुत सारी, मैं क्षेत्र में जनसंपर्क निरंतर कर रहा हूँ तो बहुत लोग व्यवस्था है कि लोग आते हैं और वादा करके चले जाते हैं कि मतलब ये रोड बनाएंगे और वैसा नहीं हो रहा है। कम से कम इस हमारे दूर 100-200 मीटर और जितनी भी मैं जनसंपर्क कर रहा हूँ कहीं रोड बनी ही नहीं है। 5 साल में रोड बनी नहीं है, 10 साल में भी रोड नहीं बनी है। लोग वादे करके आते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं कि वोट दीजिए रोड बनेगी और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हम निरंतर जनसंपर्क कर रहे हैं और वैसे कि वैसे ही रोड बने। हम जाते हैं तो लोग यही कहते हैं भैया वोट इस बार हम किसी को नहीं देंगे, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं आप सही व्यक्ति को चुनें, ऐसे व्यक्ति को चुनें जो आपसे अभी है जीते उसके बाद भी आपका कार्य कराए। बस यही जनता से अपील करता हूँ, इस बार डमरू में मोहर लगाकर भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं और अपने वादों को मैं इतना अच्छा निभाऊंगा कि जनता भी याद रखे कि मैं किसको चुना हूँ। किसी किसी क्षेत्र में आपने सुना होगा कि एक ऐसा व्यक्ति पहली बार चुन जाता है, उसके बाद वो ऐसा कार्य करता रहता कि कोई भी पार्टी आती है उसको निकाल नहीं सकती, क्योंकि कार्य ही हम इतना अच्छा कर देते हैं। और बस उसी इरादे से मैं उतरा हूं कि इतना अच्छा क्षेत्र में अपने कार्य कर दूंगा कि कभी पार्टी मुझे कोई हरा नहीं सकती है। बस इसी क्षेत्र से उतरा हूं, इसी यही विश्वास है हमारा लोगों के प्रति कि इस बार मुझे अच्छे अच्छे वोटों से विजय बनाएंगे। जो मैंने अभी इससे पहले मैंने वादे बोले वो सारे वादे करूँ, जिन घर घर में मैं बोल के आया हूँ कि ये समस्या मैं समाधान करूँगा तो वो समाधान मैं करूँगा। वादा नहीं, ये मतलब संकल्प है। मैं इस उम्र में अगर अपने क्षेत्र में काम नहीं करूँगा तो मेरा जीवन असफल है। मैं 25-26 साल का हूँ और जो इस क्षेत्र की लड़ाई में अकेले लड़ रहा हूँ और हमारे युवा साथी हमारे बहुत साथ में हैं, मैं इन लोग का बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और ऐसे ही हमारे क्षेत्र में मैं अपना पूरा विकास करूँगा। जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि वार्ड नंबर 24 से आकाश लोधी जी ने कहा है कि अगर वो पार्षद बन के आते हैं तो पूरा ईमानदारी से अपने जो जो उनके वादे हैं उसको बेकायदा ईमानदारी से निभाएंगे। पब्लिक लाइफ उमंग दे।